ओके क्लास, स्वैपिंग हमने देख ली, स्वैपिंग कैसे होती है। अब हम लोग देखेंगे बबल सॉर्ट की थोड़ी सी थ्योरी, फिर उसका कोड देख लेंगे। बबल सॉर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास, देखें क्लास, हमने एक एरे ले ली। बबल सॉर्ट का हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि वो हमारी एरे को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है प्रॉपर। हमने एक एरे ले लिया, आप देख सकते हैं 15, 16, 6, 8, 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये इसके इंडेक्सेज हैं। एरे का साइज़ 5 है। हमने जो एरे लिए है वो आप देख रहे हैं कि एक रैंडम एरे है, हमने रैंडमली एक एरे ले लिया है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स का। अब हम इसमें बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे। बबल सॉर्ट क्या करता है, सबसे पहले आपके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर कराता है, ठीक है। इस तरह ये कंपेयर कराता जाएगा, अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर है तो वो आपको स्वैपिंग नहीं करवाता, फिर वो सेकंड और थर्ड का कराता है, फिर सेकंड और फोर्थ का कराता है, फिर इसी तरह से ऑनवर्ड वो जब तक वो आइट्रेशन जब तक वो करवाते रहेगा। यानी आप जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो लार्जेस्ट एलिमेंट है जब तक वो अपनी राइट पोजीशन पर नहीं आ जाता तब तक ये आइट्रेशन होती रहेगी, बबल्ड अप होके फर्स्ट पास में। ये पासेज होते हैं, इसके डिफरेंट पासेज होते हैं, फर्स्ट पास में बबल्ड अप होके वो अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले 15 और 16 की कंपैरिजन हुआ, ठीक है, 15 इज़ नॉट ग्रेटर देन 16, तो फिर क्या हो गया, वो मूव कर गया 16 और 6 की तरफ। अब हमारा एरे वापस इसी तरह से ही है, 16 एंड 6 का कंपैरिजन होगा, फिर 16 इज़ यस 16 इज़ ग्रेटर देन 6, सो ये स्वैप हो जाएंगे, 6 यहाँ मूव हो गया लेफ्ट में और 16 राइट में स्विच हो गया। अब 16 और 8 का कंपैरिजन होगा, 16 इज़ ग्रेटर देन 8, यस 16 इज़ ग्रेटर देन 8, हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद हमारे पास फिर 8 यहाँ आ गया, 16 यहाँ, फिर 16 एंड 5 का कंपैरिजन हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट कंपैरिजन्स हो रहे हैं क्लास, आप ये देख सकते हैं 16 अपनी राइट पोजीशन पर आ गया, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट है पूरे पूरे एरे में, हमारे पास ये लार्जेस्ट एलिमेंट है विच इज़ एट इट्स राइट पोजीशन। अब हमारा एरे कुछ इस तरह से दिखेगा, 15, 6, 8, 5, 16, ये हमारा पास वन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने पास टू की तरफ स्विच करते हैं, 15 एंड 6 का कंपैरिजन होगा, सिमिलरली 15, 8, 15, 5, 15, 16, इस तरह से ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से ये सॉर्टेड एरे बनता जा रहा है, ठीक है, 16 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर हम अपने पास थ्री की तरफ चले गए। हमारा पास थ्री अगर देखा जाए तो अब हमारी एरे कुछ इस तरह से बन गई थी क्लास, लास्ट 6, 8, 5, 15, 16, ठीक है। ये आपने थ्योरी में यकीनन पढ़ लिया होगा, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट रिव्यू करवा रही हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। 6, 8 को हमने कंपेयर किया, फिर 8, 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8 तो स्वैपिंग नहीं होगी, 8 इज़ ग्रेटर देन 5 स्वैपिंग हो गई, 8 इज़ ग्रेटर देन 15 नो, 15 इज़ ग्रेटर देन 8 सो स्वैपिंग इज़ नॉट हेयर, सो नो स्वैपिंग हेयर, 15 इज़ ग्रेटर देन 16 नो, ठीक है। इस तरह से हमारी कुछ थर्ड एलिमेंट स्वैप हो गया, फिर हमारे पास पास 4 आ गया। अब हमारे पास पास 3 तक हमारे तीन एलिमेंट्स उसकी करेक्ट पोजीशन पर आ गए, पास 4 आ गया, पास 4 में हमने देखा 6 इज़ ग्रेटर देन 5 यस तो स्वैपिंग हो गई, 6 इज़ ग्रेटर देन 8 नो तो हम स्विच कर गए अगले एलिमेंट की तरफ, एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 15 नो तो हम उससे अगले एलिमेंट की तरफ स्विच कर गए, 15 इज़ ग्रेटर देन 16 नो, इट मीन्स हमारा एरे के 4 एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो ऑब्वियसली अगर एरे 5 एलिमेंट्स का है और 4 सॉर्ट हो गए तो 5th वन इज़ ऑटोमेटिकली ऑन इट्स राइट पोजीशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे क्लास, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना, कि अगर हमारे एरे का साइज़ n इक्वल्स टू 5 है तो हमारा जो लूप है वो कब तक चलना चाहिए, हमारी जो आइट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 4 पासेस में हमारा हमारी एरे को सॉर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा बबल सॉर्ट का था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं कोडिंग की तरफ।